नमस्कार प्रिय दर्शकों हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए आज आप सबके मैं तीन जन्म कुंडली लेकर के उपस्थित हूं तो आइए हम सभी मिलकर इन तीनों जन्म कुंडलियों का अध्ययन करें फ्री जन्म कुंडली अध्ययन के लिए जिन चार जन्म कुंडलियों का चुनाव हुआ था मैं उसमें से तीन ही कुंडली लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हूं कारण यह है कि जो चौथी कुंडली थी जिनकी उन्होंने हमसे संपर्क ही नहीं किया पहला नाम शिवम कडू जी का दूसरा निधि पचौरी तीसरा मानस ओझा और चौथा नाम आर्यन गुप्ता आर्यन गुप्ता जी ने हमसे संपर्क नहीं किया फलस्वरूप हम तीन ही जन्म कुंडली लेकर के आप सबके समुख उपस्थित हैं तो आइए हम सभी मिलकर इन तीनों की जन्म कुंडली का अध्ययन कर ले कार्यक्रम के प्रारंभ में जो पहली जन्म कुंडली है वो शिवम कडू जी की है जन्म की तारीख है पंद्रह अगस्त उन्नीस और जन्म समय दो बजकर के दस मिनट मध्य रात्रि के बाद का यह समय है जन्म स्थान अमरावती महाराष्ट्र मिथुन लग्न की कुंडली बनती है लग्न का मान छह उनसठ कला लग्नपति बनते हैं बुध जाकर के बैठे हैं कुंडली के धन भाव में धन भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा जाकर के बैठे हैं भाग्य भाव में 14 हंस चार कला के साथ शनि की राशि में शनि के साथ तात्कालिक मित्रता बनाते हुए जन्म कुंडली में द्वितीय भाव का मालिक जाकर के धन भाव में बैठ जाए तो यह महाधन योग बन जाता है और वहीं की कुंडली में देखें तो भाग्य शनि खुद की राशि में जाकर के बैठे हैं कुंडली के अष्टम भाव में इस लग्न में वैसे तो शनि कारक होते हैं परंतु कुंडली के अष्टम भाव में शनि का होना इस बात की सूचना हो जाती है कि यह जातक को जीवन काल में बेहद संघर्ष कराएगा और जातक को तैयार भी रहना होता है उसके पीछे कारण भी है शनि की दृष्टि कर्म भाव पर होती है धन भाव पर होती है और ज्ञान भाव पर होती है शनि को विच्छेदात्मक ग्रह कहा गया है और इनकी दृष्टि कहीं ना कहीं संघर्ष उत्पन्न कर देती है जीवन काल में आयु अवश्य लंबी हो जाती है लेकिन संघर्ष बहुत ज्यादा होने लगता है अब इनकी कुंडली में अगर देखें तो द्वितीय भाव में सूर्य और बुद्ध बैठे हैं सूर्य और बुद्ध पर शनि की दृष्टि यानी लग्नेश पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है वहीं जातक की कुंडली में अगर देखा जाए तो शुक्र और गुरु की युति का होना और वो भी जाकर के पराक्रम भाव में बढ़िया है हालांकि देखा जाए तो इस लग्न में गुरुदेव बहुत कारक नहीं है वो चौबीस अंश आठ कला के साथ मृत अवस्था में परंतु शुक्र सर्वाधिक योग कारक ग्रह हैं और वो जाकर के कुंडली के पराक्रम भाव में बैठे हैं

अब आपका यह कहना कि मैं बेरोजगार हूं देखिए मिथुन लग्न के हैं आप इस लग्न के जातक अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयत्नशील हो तो निसंदेह उनको सफलता मिल जाएगी सफलता मिलने में कोई दिक्कत नहीं परंतु कर्म भाव पर शनिदेव की दृष्टि का होना सरकारी नौकरी के प्रमुख कारक ग्रह सूर्य पर भी शनिदेव की दृष्टि का होना आपको मुश्किलों में डालेगा और सरकारी नौकरी में सफलता मिलने में दिक्कत आएगी कुंडली का सष्टम जो भाव है वो प्रतियोगिता को दर्शाता है तो भावपति आपकी कुंडली के बारहवें भाव में जाकर के पुनःम भाव को देख रहे हैं यह प्लस पॉइंट है तो देखा जाए तो आपकी कुंडली में दो दो विपरीत योग भी बन जा रहा है यह प्लस पॉइंट मुझे दिखाई पड़ रहा है अगर जातक संघर्ष करे तो उसे सफलता मिल सकती है अब सवाल उठता है कब तक शनि की महादशा वर्तमान समय में आपको चल रही है और बुद्ध का अंतर चल रहा है यानी लग्नेश का अंतर है भाग्येश की महादशा में तो भाग्येश की महादशा में लग्नेश का अंतर कहीं ना कहीं सफलता दिलाने के लिए यह पर्याप्त है और अगर राशि वाइज देखा जाए तो कुंभ राशि के हैं आपको शनि की साढ़े साथी लगने जा रही है 24 जनवरी 2020 से अब शनिदेव आपकी कुंडली में वक्री होकर के बैठे हैं और यह आपने मेरे कार्यक्रम में सुना होगा कि अगर कुंडली में शनिदेव वक्री है और अगर आप वृषभ लग्न के हैं मिथुन लग्न के हैं कन्या लग्न के हैं तुला लग्न के हैं अथवा इन्हीं से संबंधित राशियों के हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि आपके लिए वक्री शनिदेव साढ़े साथ ही में सब कुछ प्रदान करेंगे सूर्य पर इनकी दृष्टि का पड़ना कहीं ना कहीं थोड़ी कमजोरी अवश्य उत्पन्न कर देगा संघर्ष कराएगा लेकिन अगर आपका प्रयत्न जारी है तो इसी साढ़े साथ ही अंतर प्रारंभ हुआ है आपके लिए विशेष लाभदायी सिद्ध होगा और आपको सफलता मिल जाएगी पत्नी कैसी होगी अगला इनका प्रश्न है गवर्नमेंट जॉब वाली या फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दुर्भाग्यवशात आप कुछ नहीं करते इसलिए आपने यह प्रश्न पूछा कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो देखिए फाइनेंशियली स्ट्रांग तो आप ही को होना चाहिए आप हो ये। अगर आप अपने पिता के भरोसे भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने लग्न को नहीं जी पा रहे हैं याद रखिएगा मेरे इस बात को आप मिथुन लग्न और कुंभ राशि के हैं वायु तत्वीय लग्न वायु तत्वीय राशि बहना सदैव बहते रहना प्रवाहित होना यह आपका काम है तो पत्नी के रूप में अगर आप स्ट्रॉग कोई ढूंढ रहे हैं तो भी आपका दाम्पत्य बहुत सुखद नहीं रह पाएगा आप अपने जैसा ढूंढिए और सफलता तो आपकी होनी चाहिए सप्तम भावपति आपकी कुंडली में जाकर के पराक्रम भाव में बैठे हैं देवगुरु अपनी दृष्टि डाल रहे हैं परंतु डिग्री वाइज कमजोर है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो सप्तम भाव में अगर धनु राशि हो तो जातक की पत्नी बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती परंतु पतिव्रता होती है पति को सहयोग करने वाली होती है अब ये आज के समय में बहुत पढ़ा लिखा हुआ का क्या मतलब होता है अगर सामान्य बारहवीं या बीए वगैरह तक की पढ़ाई की हुई हो एमए तक की भी पढ़ाई की हो तो मैं समझता हूं कि आज के इस परिवेश में बहुत पढ़ा लिखा उसे नहीं कहा जाएगा क्योंकि शिक्षा तो आज के डेट में जितना आगे तक चला जाए वो सही है तो मैं फिर भी कहूंगा कि आपकी कुंडली बताती है कि आपका खुद का अपनी सफलता का योग है आप अपने कर्म और पराक्रम की तरफ जाइए इस लग्न के सर्वाधिक योगकारक शुक्र जाकर के पराक्रम में बैठे हैं पराक्रम में लगिए आपकी कुंडली में जबरदस्त सफलता है और बहुत सफलता है समय आपके पक्ष में आ रहा है इस समय का लाभ उठाइए इस कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो मैं आपको दो ही चीज कहूंगा और दोनों अनवरत करिए गणेश जी के मंत्र का जब ओम गंगणपत नित्य तीन माला और साथ ही साथ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य पाठ आपसे होना चाहिए आपको करना चाहिए और घर के करीब किसी भी दुर्गा जी के मंदिर में आपको नित्य दर्शन करने के लिए जाना चाहिए ये दो उपाय आप अपने जीवन काल से जोड़ लीजिए आपको समझ में आ जाएगा इसका फायदा क्या है अगर रत्न आप पहनने की इच्छा रखते हो तो बुद्ध का रत्न आप धारण कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं वैसे रत्न के मामले में विवाह के बाद ही रत्न कोई पहनना मैं अच्छा समझता हूं और मैं समझता हूं विवाह के बाद आप शुक्र का रत्न पहनिए सबसे बढ़िया है इसके अलावा कोई रत्न न पहने ज्यादा बढ़िया उपाय मैंने आपको जो दो बताया वो करिए और बाकी के उपाय तो आप करते ही होंगे भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना अगर ये कर रहे हैं तो फिर कोई चिंता ही नहीं तो मैं समझता हूं कि वक्त चल रहा है और इस वक्त का आप लाभ उठाइए इसी वक्त में आपकी नौकरी हो जाएगी दूसरी जो जन्म कुंडली लेकर मैं आप सबके उपस्थित हुआ हूं यह कुंडली है निधि पचौरी जी की जन्म की तारीख नोट कर लीजिए तीन जनवरी उन्नीस और जन्म का समय है शाम छह बज करके पचास मिनट और जन्म स्थान मध्य प्रदेश का जगह है महु सबसे पहले इनकी कुंडली के बारे में आपको बता दूं और फिर इनके बारे में कुछ प्रश्न जो इनके हैं उस पर हम चर्चा करेंगे कर्क लग्न की इनकी कुंडली बनती है दो वंश बीस कला पर लग्न है लग्नपति बनते हैं चंद्रमा जाकर के बैठे हैं कुंडली के चतुर्थ भाव में सुख भाव में कैसे तो नीचा भिलासी होकर के और वही इनकी कुंडली में देखें तो लग्न पर बुद्ध की दृष्टि पड़ रही है। मंगल जाकर में क्यों क्योंकि वो दोवंश इक्यावन कला पर गुरु वृषभ राशि में मृत अवस्था को चले जाते हैं कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं शुक्र जो कि सत्ताईस अंश सत्रह कला के साथ बाल अवस्था में है और संतान के स्वामी जाकर के बैठे इनकी कुंडली के भाग्य भाव में संतान पर मैंने क्यों पॉइंट किया क्योंकि इनका प्रश्न इसी से कुछ संबंधित है इनका पहला जो प्रश्न है इन्होंने लिखा है कि मेरी मुझे एक बेटी है और वो बेटी बहुत प्यारी है अब असल में ये कहना मुझे लगता है कि भूमिका है क्यों क्योंकि अगला प्रश्न क्या है वो मैं बताता हूं मैं चाहती हूं कि अब एक मुझे बेटा हो जाए तो इसलिए बेटे के लिए कब कंसीव करूं तो निधि जी सबसे पहले आपको बता दूं आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में बुद्ध की महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है आपको संतान भाव पर आइए भाव भावपति और भाव कारक इन तीनों को देखेंगे याद रखिएगा ये आधी कुंडली का विश्लेषण हो रहा है और अगर पुत्र संतति की बात आएगी तो सदैव पुरुष की कुंडली का देखा जाना जरूरी है स्त्री की कुंडली का बलाबल क्षेत्र कुंडली और बीज कुंडली बीज कुंडली ही पुत्र उत्पत्ति करती है और क्षेत्र कुंडली कन्या उत्पत्ति करती है तो अगर क्षेत्र कुंडली का प्राबल्य निकलेगा तो याद रखिएगा ये पुत्र संतति के लिए नहीं होगा ये कन्या संतति के लिए होगा क्योंकि बीज कुंडली तय करती है कि पुत्र या कन्या तो आपके जब तक पति की कुंडली ये नहीं होगी यहां पर कि उनकी स्थिति कैसी है तब तक आपके लिए यह बताना कि आप कब कंसीव करें कि आपको बेटा ही हो यह बताना पूरी तरह से और दावे के साथ तो सरासर झूठ हो जाएगा तो ऐसा मैं नहीं कर सकता परंतु आपके ग्रह स्थितियों के बारे में मैं जरूर चर्चा कर रहा हूं और आपके बारे में जरूर बताऊंगा तुला राशि की हैं आप नीचा विलासी चंद्रमा आपको लगने वाली है शनि की ढैया लेकिन अगर आपकी राशि से देव गुरु बृहस्पति की स्थिति को देखा जाए जो कि संतान के कारक है तो तुला राशि से अगर आप गिने तो वर्तमान समय में देव गुरु बृहस्पति धनु राशि में चल रहे हैं तो तुला वृश्चिक और धनु यानी आपकी राशि से देव गुरु बृहस्पति तृतीय भाव में संचरण कर रहे हैं गोचर में अब तृतीय भाव में संचरण कर रहे देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि किसी भी प्रकार से संतान भाव पर तो नहीं पड़ती परंतु देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ती है और पांचवें से पांचवा यानी संतान का विचार करना हो तो केवल पंचम भाव से मत करो वरन पांचवें से पांचवा भी विचार करो सो देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ना भी संतान उत्पत्ति का कारक बनेगा और देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव यानी पति के घर पर पड़ना भी पति को बल प्रदान करने वाला होगा ये सारी मैं आपकी कुंडली की बात कर रहा हूं अब आते हैं आपकी महादशाओं की तरफ वर्तमान समय में बुद्ध की महादशा चल रही है बुद्ध जो कि आपकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं तो जाकर के इस कुंडली में सप्तम भाव में बैठे हैं और उनकी महादशा में शुक्र का अंतर चल रहा है शुक्र जो कि संतान भाव में बैठे हैं अब संतान भाव के स्वामी कौन है आपकी कुंडली में तो मंगल मंगल का संतान भाव का स्वामी होना और जाकर के भाग्य भाव में बैठना बाल अवस्था में ही सही परंतु यह कहीं ना कहीं पुत्र संतति का कारण तो बना अब आगे सुनिए संतान भाव में शुक्र कन्या संतति जन्म कराने वाले होते हैं क्योंकि आपकी कुंडली में अगर देव गुरु बृहस्पति की स्थिति को देखा जाए तो देव गुरु बृहस्पति मृत अवस्था में अब आगे स्त्री की कुंडली है तो चंद्रमा और मंगल को देखा जाना चाहिए तो चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा 26 अंश पर मृत अवस्था में और मंगल की स्थिति को देखें तो मंगल के पास बाल अवस्था का बल है तो आपके पास जितना बलाबल है उसके हिसाब से आगे पूर्व पूर्व में आपको कन्या संतति और आने वाले समय में भी कन्या संतति की स्थिति बन जाएगी क्योंकि संतान उत्पत्ति का योग तो आपकी कुंडली में अभी ही चल रहा है जब से देव गुरु ने राशि परिवर्तन किया है तो यह बात हुई संतानोत्पत्ति की अब कन्या संतति का प्राबल्य आपकी कुंडली से हो रहा है अगर आपकी पति आपके पति की कुंडली में प्रबल योग पुत्र संतति का इस समय गोचर में चल रहा हो तो निसंदेह ये जो टाइम चल रहा है इसी में आप कंसीव कर जाएंगी और पुत्र संतति आपको मिल सकती है सेकंड इन्होंने प्रश्न पूछा है विदेश में ये सेट होना चाहती हैं फॉरेन जाने का योग है या नहीं ये जानना चाहती हैं आपकी कुंडली में देखा जाए तो स्वदेश पति जाकर के बैठे हैं कुंडली के पंचम भाव में विदेश पति जाकर के बैठे हैं पति पति के के भाव में और परमानेंट विदेश जाकर के बैठे हैं कहां पर तो कुंडली में भाव में और बैठ करके देख रहे हैं परमानेंट विदेश को और विदेश को तो आपकी कुंडली में विदेश का योग तो है और बुद्ध में शुक्र का अंतर चल रहा है पति के साथ विदेश जाने का योग है क्योंकि विदेश भाव का मालिक पति भाव में आकर के बैठा है बुद्ध में शुक्र का और शनि का प्रत्यंतर दो के जनवरी में अगर पति के साथ जाने का मौका मिलता है पुनः नोट करिए पति के साथ जाने का मौका मिलता है तो 2021 के जनवरी में विदेश जाने का योग आपकी कुंडली में प्रबल रूप से प्रभावी रूप से आ रहा है तब आप विदेश गमन कर सकती हैं उपाय के रूप में आपको बता शनि की ढैया आपको लगने जा रही है हनुमान जी की आराधना करिए क्योंकि चंद्र नीचा भिलाषी है तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी बढ़ने वाली है हनुमान जी की आराधना आपके द्वारा होना चाहिए देवगुरु बृहस्पति का व्रत करिए क्योंकि आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा कमजोर हैं और साथ ही साथ सांत जैसा कि मैं आपकी कुंडली को देख रहा हूं मंगल का रत्न मूंगा आपको धारण कर लेना चाहिए मूंगा धारण करिए मूंगा धारण करना आपके लिए फायदेमंद होगा अतः तो स्वा नवरत्ती का मूंगा सोने की अंगूठी में बना करके अनामिका उंगली में मंगलवार के दिन धारण करिए संतान गोपाल मंत्र का जब आप पति पत्नी दोनों के द्वारा किया जाना चाहिए और आपकी पति की कुंडली में अगर प्रबल योग इस समय चल रहा है तो टाइम आपकी भी कुंडली में है संतान उत्पत्ति का क्योंकि देवगुरु सपोर्ट कर रहे हैं तो आशा करता हूं जो उपाय मैंने आपको बताया वो कीजिए फायदा आपको मिलेगा अब ये जो तीसरी जन्म कुंडली है ये है मानस ओझा जी की जन्म की तारीख है 6 अगस्त उन्नीस और जन्म का समय है दोपहर में बारह बजकर के तीस मिनट बलिया उत्तर प्रदेश इनके प्रश्न के बारे में हम जानेंगे पहले जन्म कुंडली पर एक नजर डालने तुला लग्न की इनकी कुंडली बनती है लग्न पति बनते हैं शुक्र जाकर के कहां पर बैठे हैं तो कुंडली के भाग्य भाव में लग्नेश का भाग्यस्थ होना बहुत बढ़िया भाग्येश का जाकर के इनकी कुंडली के कर्मस्थ होना और कर्मेश का जाकर के इनकी कुंडली के सष्टम भाव प्रतियोगिता भाव में होना बढ़िया केतु बैठे हैं कुंडली के, के, तो के अष्टम भाव में राहु द्वितीय में गुरु और मंगल की युति है कुंडली के बारहवें भाव में अब यहां गौर करिए कुंडली के दसम भाव में सूर्य बैठे हैं जो इस लग्न में बहुत कारक तो नहीं है परंतु लाभेश शुक्र के जाकर के कर्म में बैठे हैं भीषंस तीन कला के साथ बुद्ध के साथ बुधादित्य योग बना करके परंतु बुद्ध वाइज थोड़े वीक है कमजोर है अब बात तुला लग्न की चल रही है तो तुला लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग कारक ग्रह शनिदेव को माना गया है जो अंश कला के के साथ वक्री होकर के कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं और जातक की अब देखी जाए तो जो राशि है वो मीन है मीन राशि को ढैया साढ़े सात इत्यादि कुछ नहीं चल रही है वर्तमान समय में इनकी कुंडली में बुद्ध की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है इन्होंने पूछा है क्या आई या पीसीएस में सफलता मिलेगी मानस जी आपकी कुंडली में अगर देखा जाए तो कर्म भावपति जाकर के भाव में बैठे हैं और देव गुरु से भी हुआ और यहां पर सूर्य को देखा जाए तो सूर्य दिग्वली है दसम भाव में इनका बैठना बहुत बढ़िया कहलाएगा तो गवर्नमेंट जॉब दिलाने वाले सूर्य आपकी कुंडली में दसम भाव में बलि पाए जा रहे हैं वहीं अगर आपकी कुंडली में देखा जाए तो आजीविका के कारक कहीं ना कहीं शनि शनि की स्थिति देखी जाए तो वो चारण अंश ग्यारह कला के साथ वक्री होकर के पंचम भाव में तुला लगने में सर्वाधिक योग कारक बन करके और जाकर के बैठे हैं कुंडली के पंचम भाव में तो स्थिति मजबूत करेंगे ये दूसरा आपने पूछा कि आइए इसमें सफलता तो शुक्र की बुद्ध की महादशा में सूर्य का अंतर चल रहा है टाइम तो अभी ही चल रहा है आपकी कुंडली में क्या आपकी तैयारी उस लेवल की है क्या आप उतना मेहनत कर पा रहे हैं जितना आपको करना चाहिए क्योंकि यहां पर अगर कोई माइनस पॉइंट है तो वो है आपका चंद्रमा मीन राशि में बैठा चंद्रमा मन को बहुत ज्यादा भटकाने वाला होता है और मन में भटकाव बहुत ज्यादा उत्पन्न करता है तो भटकाव उत्पन्न करने के कारण सफलता में वो बाधा उत्पन्न कर देगा तो सबसे पहले तो आपको अपना मन स्थिर रखना होगा आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्पित होना होगा दृढ़ संकल्पित अगर आप हो जाए तो निसंदेह आप सफल हो जाएंगे अब इन्होंने आगे पूछा भविष्य में राजनीति में सफलता राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनेगी दसम भाव में अगर सूर्य बैठे हो तो पहचान के दृष्टिकोण से तो ये बहुत बढ़िया है आपकी कुंडली में देखा जाए तो द्वितीय भाव जो वाणी का भाव है उस भाव का मालिक मंगल कहां पर बैठे हैं तो जाकर के बारहवें भाव में बैठे हैं देव गुरु बृहस्पति के साथ वाणी भाव का स्वामी जाकर के बारहवें भाव में बैठा और वो देव गुरु बृहस्पति के साथ जाकर के बैठे हुए हैं देव गुरु बृहस्पति जो कि इस कुंडली में सठम भाव के स्वामी होकर के और जाकर के पराक्रमेश होकर के कुंडली के बारहवें भाव में बैठे हैं तो गुरु मंगल की ये जो युति है आपको वाचा दे सकती है वाणी दे सकती है परंतु आपके बुद्ध के पास बलाबल कम है वाणी के स्वामी है बुद्ध तो वो कमजोर पड़ जा रहे हैं कहीं ना कहीं उनका बलाबल भी जरूरी था फायदा मिल सकता है अगर आप गणेश जी की आराधना करें बिना किसी तरह से भी नागा किए आप नित्य गणेश जी की आराधना करिए और गायत्री मंत्र का जब करिए कम से कम नित्य तीन माला गायत्री मंत्र का जब और गणेश जी के मंत्र का जब तीन माला ओम गंगड़ पते नम मंत्र का तीन माला गायत्री मंत्र का जब तीन माला इन दोनों को करने से आपको पहला फायदा मिलेगा आत्मविश्वास मन शांत अगर आप यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं तो वहां से भी आपको राजनीति में जाने का मौका मिल जाएगा राजनीति को भी लक्ष्य मत बनाइए क्योंकि राजनीति सर्वाधिक श्रेष्ठ लक्ष्य हो सकता है लेकिन अभी नहीं जब तक आपके पास पद ना हो राजनीति में आज के समय में जाना बस ऐसे ही है जैसे छुट भैया नेता बन जाना और वो किसी लायक नहीं होगा तो सर्वाधिक सर्वाधिक श्रेष्ठ ये होगा आपके लिए कि आप एक पद ले लीजिए और पद लेने के बाद जब आपका कद मजबूत हो जाए तब तो आप राजनीति में प्रवेश करिए और वैसे भी देखा जाए तो बुद्ध की महादशा में सूर्य कांतर नौकरी के लिए बहुत बढ़िया टाइम है तो सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रयत्न आपको नौकरी के लिए करना होगा जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयास करिए मीन राशि को कोई बुरा वक्त नहीं वर्तमान समय में चल रहा है मानस नाम है आपका वर, प, आपके नाम राशि पर पिछले दिनों शनि की राशि से पंचमस्त स्थिति चली थी जो कहीं ना कहीं आपको कमजोर करने वाली रही होगी लेकिन अब हर प्रकार से वक्त आपके पक्ष में होने जा रहा है चौबीस जनवरी के बाद आपका प्रयत्न चाहिए श्रेष्ठ प्रयत्न और सफलता आपको मिल जाएगी अब देखिए आपकी अगर राशि को देखा जाए तो आपकी राशि मीन बनती है जल तत्वीय राशि और अगर आपके लग्न को देखा जाए तो वायु तत्वीय लग्न है यहां भी एक असफलता का विषय बनता है लग्न और राशि में बहुत ज्यादा सामंजस्य नहीं है तो यह भी भटकाव का एक कारण बनता है एक काम करिए आप दुर्गा जी की आराधना करिए और दुर्गा जी के मंदिर में दर्शन करने जाया करिए दुर्गा सप्तशती में कवच अर्गला किलक आपको प्रारंभ में ही मिल जाएगा इसका पाठ नित्य करिए फिर देखिए सफलता मिलेगी सूर्य को अर्घ्य प्रदान करते रहिएगा कभी भी वो बंद नहीं होना चाहिए सूर्य को बलाबल दीजिए जितना अधिक से हो सके सूर्य को बलाबल दीजिए सूर्य को बलाबल देंगे तो सफलता और मिलने की संभावना बढ़ जाएगी बस इतना कर लीजिए और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है इतने से उपाय से ही आपको सफलता मिलेगी और फिर से कहूंगा पहले नौकरी और इसके बाद फिर राजनीति दूसरा अगर राज नौकरी में सीधा सीधा यूपीएससी नहीं मिल रहा तो आप कोई नीचे का पद भी ढूंढिए जरूरी नहीं है कि यूपीएससी ही क्लियर हो जब घर से निकल चुके हैं और लक्ष्य सामने दिखाई पड़ रहा है या यूं कहें कि लक्ष्य में पता है कहां जाना है गंतव्य पता है कहां जाना है तो राह में अगर कहीं हॉल्ट भी आ रहा है कहीं रुकना स्टॉपेज भी आ रहा है तो स्टॉप कोई बुराई वाला नहीं है स्टॉप कर लीजिए रुक जाइए क्योंकि हमें पता है हमें कहां जाना है चलते रहेंगे स्टॉप आएगा थोड़ा सा रुक लेंगे, तो आपको कोई और नौकरी भी मिलती है ताकि एक बार भाग्य जागृत हो जाए भाग्य का साथ आपको मिलने लगे तो और ज्यादा सरल हो जाएगा तो जो उपाय मैंने आपको बताया है वो कर लीजिए भगवान ने चाहा सफलता मिल जाएगी अब जाते जाते बता दूं अगले सप्ताह के लिए आप सभी लोग अपना नाम दे दीजिए जिनको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना है फ्री जन्म कुंडली में और एक बार बता दूं कि अब शिवम आर्यन गुप्ता जी ने न देकर के शायद अच्छा ही किया क्योंकि इससे एक बात तो तय हुआ कि मैं तीन कुंडलियों का अध्ययन बोर्ड पर भी कर सकता हूं और वो आराम से हो जा रहा है तो तीन कुंडली का ही चुनाव करूंगा और बोर्ड पर करूंगा क्योंकि प्रोजेक्टर से मैं जो करता था वो उतना न तो साफ दिखाई पड़ता था न मुझे संतुष्टि मिल पाती थी बताने में तो यह ज्यादा बेहतर है तो तीन कुंडली का चुनाव क्योंकि तीन कुंडली करना आसान है तीन कुंडली का चुनाव और तीन कुंडली को मैं बोर्ड पर ही दिखा दूंगा आज के लिए बस इतना ही आप अपना नाम कमेंट में दे दीजिए आगे जब भी होगा अनाउंस कर दूंगा नाम आपका इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात होगी तब तक के लिए नमस्कार